बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। गुज़िश्ता चंद दिनों से JS-17 के हवाले से इंतहाई अहम ख़बरें सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो Block 3 के हवाले से एक खबर सामने आई जो इसके इंजन के हवाले से है। अगर तो वाकई Block 3 में RD-93 इंजन लगाया गया तो फिर Block 3 को पाक फ़िज़ाइया में शामिल होने में मज़ीद 3 से 4 माह लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी अहम खबर JS-17 तैयारों की प्रोडक्शन के हवाले से सामने आई है, जिसने इंडिया की नींदें उड़ा के रख दी हैं। पहले ज़रा सुन लें इंडियन मीडिया इस खबर पर कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है, फिर इस पर बात करते हैं। चीन के सरकारी अखबार में रिपोर्ट छपी है कि 2020 में अब तक JF-17 ने डिलीवरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा JF-17 इस साल के पहले 6 महीने में डिलीवर किए। ये विमान इस वक्त F-16 के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे मजबूत फाइटर है और पाकिस्तान लगातार इनकी तादाद बढ़ा रहा है। हाल में लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान पाकिस्तान ने ये विमान POK में स्कार्दू एयरबेस पर भी तैनात कर दिए थे, लेकिन JF-17 क्या पाकिस्तान और चीन के हर विमान को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है? दोस्तों, इस रिपोर्टिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अहम संगे मील अबूर किया है। पाकिस्तान इस वक्त चीन के तावन से 15 दिनों में एक JS-17 तैयारा बना रहा है और इस तरह एक साल में 24 तैयारे बनाए जा रही हैं। इससे पहले ये एवरेज 16 तैयारे थी जो कि एक साल में बनाए जाते थे। इससे कबल जनवरी 2020 में भी पाक फिजाइया ने एक अलामिया जारी किया था, जिसके मुताबिक सिर्फ 5 माह के अरसा में 8 JS-17 थंडर तैयारे बनाए गए। दोस्तों, प्रोडक्शन में इजाफे से पाक फिजाइया JS-17 Block 2 मतलूबा तादाद में जल्द अपने फिजाई बेड़े में शामिल कर लेगी। वहीं Block 1 को 2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने में बहुत कम टाइम लगेगा और सबसे अहम बात यह कि Block 3 की टेस्टिंग फ्लाइट मुकम्मल होने के बाद इस तैयारे के लिए बाकी ममालक से भी आर्डर मिलने के इम्कानात हैं। मिस्र, सऊदी अरब और मलेशिया जैसे ममालक भी इसकी खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और ख़ुद पाक फिजाइया भी 50 Block 3 तैयारों को अपने फिजाई बेड़े में शामिल करने का इरादा रखती है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि जो प्रोडक्शन एवरेज है इसमें इजाफा किया जाए। इससे ना सिर्फ पाक फिजाइया की ज़रूरतें भी जल्द पूरी होंगी बल्कि बाकी ममालक को भी फरोख्त करके कसीर ज़रा मुबादला भी हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल डिफेंस राइटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।